सेटोनाइन नॉर एपिनोफ्रीन रीअपटेक इनहिबिटर है देन ट्राइसाइक्लिक एंटीडिप्रेसेंट है सो एस एस आर आईज़ एस एन आर आईज एन टी सी एस जो हैं ये तीन डिफरेंट uh, ग्रुप ऑफ मेडिकेशन है जो कि अवेलेबल हैं इनमें से सबसे ज़्यादा जो है वो एस एस आर आईज़ यूज़ किए जाते हैं क्योंकि इनका जो इफेक्ट uh, है वो परसिसटेंट डिप्रेसिव डिसऑर्डर में बेहतर है एज़ कम्पेयर टू अदर टू अगेन दिस इज़ समथिंग विच शुड बी डिसाइडेड बाई द साकेट्रस बट यू शुड अवेयर that which uh, medicines can be used for the treatment of persistent depressive disorder. Then we will move towards the behavior therapy. Behavior therapy में multiple techniques हैं जो कि आप use कर सकते हो हम इसमें दो techniques जो हैं वो आज uh, discuss करेंगे Number वन is the self reinforcement. Self reinforcement जो है uh, वो हम use करना क्यों prefer करते हैं uh, Because we know कि behavior school of thought क्या कहता है कि जो reward है बच्चे को उसकी कोई भी एक्टिविटी के रिजल्ट में नहीं मिल रहा ठीक है तो लैक ऑफ रिवॉर्ड जो है उसकी वजह से समटाइम बच्चे जो हैं वो परसिस्टेंट डिप्रेसिव डिसऑर्डर का आ, शिकार हो जाते हैं अब उसमें हम क्या करते हैं हम बच्चे को ये बताते हैं कि आपने क्या करना है आपने जो एक्टिविटी करनी है उसके लिए अपने आप को आपने री करना है अब री इन्फोर्समेंट डिवेलप कैसे की जाती है उसकी लिस्ट उसके लिए हम ये करते हैं कि वी आस्ट द चाइल्ड टू डेवलप अ लिस्ट ठीक है जब वो एक लिस्ट डेवलप कर लेता है तो उसके बाद हम क्या कहते हैं उसे कि इसमें से कौन सी चीज़ें हैं जो उसको सबसे ज़्यादा पसंद है उसको हम हर वाइज बनाते हैं यानी कौन सी सबसे ज़्यादा पसंद है कौन सी सबसे कम पसंद है कौन सी उसके लिए ओके okay है तो उसको हम लिस्ट कर लेंगे तरतीब वाइज अब उसमें एक चीज और बड़ी इंपॉर्टेंट है बिकॉज दिस चाइल्ड आर हैविंग अ प्रॉब्लम ऑफ डिप्रेशन तो इट इज वेरी मच लाइकली कि ये आपको ये कहें वी डोंट फील प्लेयर इन एनी थिंग हर चीज ही बोर है वी डोंट इंजॉय एनी दैट्स फाइन दैट्स परफेक्टली फाइन अगर बच्चा ऐसा आपको रिस्पॉन्स दे रहा है तो आपने उससे ये पूछना है ओके okay, कौन सी वो चीजें हैं जो आपको पहले प्लेयर देती थी ठीक है इफ स्टिल द चाइल्ड इज़ अनएबल टू गिव यू आंसर दैट्स परफेक्टली ओके आपने फिर उससे कहना है ओके वो आपको वो चीज़ें तरतीबे में बताए जो कि ज़्यादा बोर्ड हैं और लेस बोर्ड हैं ठीक है तो वो भी एक तरह से उसकी री इन्फोर्सिंग जो लिस्ट है वो उसके थ्रू डेवेलप हो जाएगी एक तरीका ये है दूसरा तरीका ये है कि आप उसके पेरेंट्स से पूछ सकते हैं उसके सबलिंग से पूछ सकते हैं फ्रेंड से पूछ सकते हैं टीचर से पूछ सकते हैं कि वो कौन सी ऐसी एक्टिविटीज़ हैं जिनको ये पहले इंजॉय करता था और फिर आप बच्चे के साथ डिस्कस करके उसकी लिस्ट जो है वो डेवलप कर सकते हैं अब इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ दैट कि जो लिस्ट आपने डेवलप की है और जो भी काम आपने उसको दिया है कि जिसके बाद आपने उसको कहा है कि आपने ख़ुद को री करना है तो आपने मेक श्योर sure करना है कि वो री उसको मिले भी अगर वो री उसको नहीं मिलेगा वो रिवॉर्ड उसको नहीं मिलेगा तो बहुत हद तक चांसेस हैं कि जो बेहतरी है उसके बिहेवियर में वो ना आए देन वी विल टॉक अबाउट द बिहेवियरल एक्सपोयर बिहेवियरल एक्सपोयर का क्या मतलब है कि ये बच्चे बहुत सी एक्टिविटीज़ जिनको ये पहले इंजॉय करते थे ये उनको छोड़ देते हैं या इसलिए नहीं करते बिकॉज दे फील फ्राइटेंड और दे फील के दे विल बी रिजेक्टेड बाई द अदर पियर्स टू ठीक है तो जब उनके साथ इस किस्म का प्रॉब्लम हो तो आपने क्या करना है आपने उनको लिस्ट बना लेनी है जिन चीज़ों को वो अवॉइड करा फिर उसमें से आपने आहिस्ता आहस्ता उसको ग्रेजुअली जो है वो एक्सपोज कराना है डिफरेंट सिचुएशन से ठीक है फॉर uh, एग्ज़ाम्पल अगर जो बच्चा है वो अपनी क्लास में जाकर किसी के साथ इसलिए बात नहीं कर पाता क्योंकि उसने अपना होमवर्क कंप्लीट नहीं किया होता तो यू नीड टू बी मेक द चाइल्ड कॉन्फिडेंट कि आइदर उसने होमवर्क किया या नहीं किया ही शुड गो एंड से हाई टू हिज और हर पीयर्स टू ठीक है तो आहिस्ता आहस्ता ग्रेजुअली जो है आपने उसको मूव करवाना है ताकि वो जो लोगों के साथ हेजिटेंट है फॉर इंटरेक्शन वो उसकी चीज़ जो है वो ख़त्म हो और आपने तब तक उसके साथ ये कराते रहना है अंटल के आलस द चाइल्ड फिलड कॉन्फिडेंट एंड रिलैक्स टू इंटरेक्ट विद अदर पियर्स एंड टू प्ले विद दैम Uh, so these are the two techniques which we are discussed in reference to persistent depressive disorder there are other techniques too which you can also use with them thank you